खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के मशहूर निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पूर्व सांसद मोहम्मद अदी पहुंचे। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। वहीं बच्चों ने कतारबद्ध खड़े होकर मेहमानों पर फूलों की बरसात की और उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत मेहमानों ने जहां बच्चों की शिक्षा को मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी बताया, वहीं ये भी कहा कि बेटियां जब उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगी तो समाज में परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन ही देश के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे तर मुख्य अतिथि और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद अपने आजमगढ़ दौरे पर गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ इल्म और अदब का गहवारा रहा है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि जब तक इसकी पूरी ड्राफ्टिंग सामने नहीं आ जाती तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने इस बात से इनकार भी किया कि इस कानून के आ जाने से सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि जनता इस बार सारा हिसाब किताब करने के लिए खुद ही तैयार बैठी है। वहीं राहुल गांधी से संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आम जन के नेता हैं, इसीलिए उन्हें मजदूरों, किसानों, ट्रक ड्राइवरों के दर्द का एहसास है। राहुल गांधी इनके बीच इसीलिए जाते हैं ताकि उन्हें एहसास रहे कि हमारा दर्द भी बांटने वाला और उसको दूर करने वाला भी कोई है। इस कार्यक्रम में निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक तारिक ख्वाजा, अहमद मसूद, मिर्जा ताबिश बेग, शाहनवाज, परवेज आलम, डॉक्टर कलीम अमजद, अदील अमजद, मोहम्मद असमर, गोपालपुर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मिर्जा शाने आलम बेग, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष बरकतुल्ला बेग, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष नजम शेठ, समाजसेवी डॉक्टर फिरोज तलत आदि मौजूद रहे। भाई आजमगढ़ ही खास है तो खास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आजमगढ़ से, आजमगढ़ की एक मकबूलियत है और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ है उत्तर प्रदेश में उसमें आजमगढ़ का एक बहुत बहुत बड़ी हैसियत है आजमगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कोशिश है, एक जस्तजू है कि हम जो कमज़ोर लोग हैं और ख़ास तौर से जो अक्लियत के लोग कमज़ोर हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए कुछ ज़मीन जो है वो बेहतर कर सकें, जो उनके कानूनी हक हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके इंसानी हक हैं, उन सब के सिलसिले में बैठकर बात करें और जहाँ जहाँ तक हो सके लोगों की तवज्जो उधर डलवा कर और लोगों की मदद हम ले सकें तो उसके लिए एक आम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। उसी कोशिश में आज हम आजमगढ़ आए हैं और यहाँ दिन भर हम लोग बैठ के लोगों से बात करेंगे और जो तजावीज़ हमको यहाँ मिलेंगी उनको उन पर अमल करने का की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में UCC का मुद्दा छाया हुआ है, केंद्र सरकार UCC पे चर्चा कर रही है और उसे लाने की, कानून बनाने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, जहाँ हम जो हमको समझ में आता है और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग हिंदू समाज के और सिखिज़्म से वाबस्ता लोग, उन सबको बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है और उन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं और उसके क्या अंजाम होंगे ये जब तक वाजे ना हो जाए बात, तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पॉन्स है वो हम यकीनन देंगे। ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है, बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे
तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रासंगिक है इस तरह के कानून की जरूरत क्या है देश को? नहीं, कानून की ज़रूरत तो बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तीन तलाक का कानून बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन बना दिया। और उस तीन तलाक के कानून को बनाकर लोगों को क्रिमिनल लॉ में झोंक कर उनको क्या क्या मिला है इसका वो कभी जिक्र करते नहीं। कानून बना देते हैं, उसके बाद फिर कानून से क्या फ़ायदा हुआ उसका जिक्र कभी करते नहीं। इसमें कहा जा रहा है दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए ये कानून हितकारी नहीं है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सलमान खुर्शीद साहब क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक कागज़ सामने नहीं आता है तो वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ नहीं कहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता को तो बेचारे का ये मसला होता है कि उसको फीस मिलती है तब वो बोलता है, लेकिन हम आवाम के बीच में हैं तो फीस लेने का सवाल ही नहीं है। हम तो फीस देकर भी अपनी बात को, अगर हमारी बात कोई सुन ले तो हम उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पहले पता लगे कि मसला क्या है, हमारे सामने वो मसला रखें, तभी हम अपना उस पर जहन दौड़ाकर उसके बाद उनको जवाब दें। 24 की तैयारियों के बारे में सर कुछ बताएं। 24 की तैयारी आवाम कर रही है, हम लोग तो सिर्फ आवाम के इशारों पर चलते हैं। और आवाम के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाम का इशारा ये है कि अब बहुत हो चुका है। बीजेपी की जो हम पर नाजिल बीजेपी को किया गया है वो बहुत कुछ हो चुका है, और अब हमारे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर लें कामयाबी से तो यकीनन बीजेपी को हम मात दे सकते हैं। और उसी पर इस जुस्तजू है, वही कोशिश है। बिहार इसी सिलसिले में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और अब बहुत जल्द अगले हफ्ते कर्नाटक में इकट्ठा होने जा रही है। इस दौरान देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी कभी खेतों में नजर आ रहे हैं, कभी वर्कशॉप में नजर आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 24 में नहीं आए। नहीं तो बीजेपी ये क्यों मान रही है कि राहुल गांधी ये फर्क पड़ाने के लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो आवाम से जुड़ने के लिए अच्छा लगता है और आवाम उनका अगर इस्तेमाल करती है, आवाम उनका स्वागत करती है, तो उसमें बीजेपी को क्या मसला है? जो आवाम को पसंद है वो बीजेपी को नहीं पसंद है, हमें इसकी कोई शिकायत नहीं। अगर उनको वो बात पसंद नहीं जो आवाम को पसंद है तो हम इसमें बहुत खुश हैं। सलमान साहब, अमित शाह का एक बयान आया है कि वो ईसाई है, जो कानून से जो है, अरे किसको कहाँ रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, उसका क्या असर होगा, ये सारी बात जब वो कर देंगे तब हम इसका जवाब देंगे। उनकी यहाँ पर कुछ कहना, कहीं और पर कुछ कहना, उनकी बात पर हम भरोसा नहीं करते। आज जिस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेने आए हैं सर, उस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पर चर्चा होगी, उससे भारतीय मुस्लिमों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं नहीं, सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है हमारी कॉन्फ्रेंस का। हमारी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक हर कमज़ोर इंसान के लिए है हमारे मुल्क में, और ये एक पेशकश मुसलमानों की तरफ से है। मुसलमान हमेशा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता है, मुसलमान बहुत कुछ देता भी है। और आज मुसलमान अगर खड़े होकर ये कह रहा है, और कुछ दानिश्वर मुसलमानों के बीच के ये कह रहे हैं कि आइए हर कमज़ोर का हम साथ दें, हर कमज़ोर का हाथ पकड़ें, तो उसमें इसका इस बात का इस्तेमाल होना चाहिए और ताउन हमको इसका इसके लिए मिलना चाहिए कि हर कमज़ोर इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।